गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है प्रीति और हम हर हफ्ते आपके लिए मीशो हॉल लेकर आते हैं तो अभी तक आपने जो हमारे हॉल में देखा तो हम अक्सर होम डेकोर आइटम सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को आपके साथ शेयर करते हैं पर आज के हॉल में ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के हॉल में हमने कुछ सामान जो है वो होम डेकोर का रखा है शायद एक या दो सामान ही है जो होम डेकोर का है और बाकी सारा का सारा जो सामान है वो होम फर्निशिंग में आता है तो होम फर्निशिंग से आप समझ ही गए होंगे जैसे आपके कुशन कवर्स हैं, टेबल रनर है मैट है बेडशीट है, है ये सारी चीजें जो हैं वो होम फर्निशिंग में आती हैं तो चलिए आज के हॉल को शुरू करते हैं हॉल शुरू हो उससे पहले अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को आप हिट कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे तो चलिए इसी के साथ अपने हॉल को शुरू करते हैं आज के हॉल में जो सबसे पहला पार्सल हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है ये बहुत अच्छा सा मैट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको इस मैट की कीमत पता होगी कि ये मैट है आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है साइज भी ज्यादा छोटा है और ना बहुत ज्यादा बड़ा है तो अगर आप इसे अपने काउचेस के जो आपने देखा होगा साइड काउचेस होते हैं सिंगल काउचेस होते हैं आप उसके अ साइड में इसको डाल सकते हैं इस इसपे आप प्लांटर्स रख सकते हैं तो बहुत ही ट्रेंडी है स्टाइलिश है और हमने तो कई बार देखा है कि लोग इस तरीके के मैट्स को अपनी वॉल पे भी डेकोर कर देते है, इने हैं इन्हें वॉल पे हैंग कर देते हैं तो ये वहां पे भी अच्छा लगता है तो ये कुछ नए नए और ट्रेंडी ट्रेंडी चीजें हैं जो मार्केट में आई हैं तो ये ये सभी के पास होना चाहिए आ, प्राइस क्या है ये हम आपको स्क्रीन पे शेयर कर देंगे तो आप उसको चेक कर लीजिए तो ये इसमें काफी सारे आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे डिफरेंट वेराइटी में आपको ये मैट मिल जाएगी कलरफुल भी हैं और बिल्कुल जूट में भी है जैसे ये आपने देखा है ये जूट और इसमें थ्रेड का काम है ये ब्राउन और वाइट के कॉम्बिनेशन में है अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये जूट में भी मिल जाएगी तो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है और सबसे अच्छी बात जो हमें लगी थी वो ये टैसल्स थे ये बहुत सुंदर लग रहे थे तो ये पूरे मैट में ऑल ओवर ये इस तरीके से लगे हुए हैं ये बहुत प्यारा लग रहा था तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि हम खुद अनबॉक्सिंग करते हैं तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड अच्छा लगे ये हमारी हमेशा कोशिश होती है तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं तो आज के हॉल में सारा का सारा जो मेन uh, फोकस हमारा था वो होम फर्निशिंग पे था कि सारा जो सामान है क्योंकि घर में हमारे क्वेश्चन कवर्स भी पुराने हो चुके थे अनबॉक्सिंग के लिए मैट्स भी नहीं था तो सब चीजें हमने इस हॉल में इंक्लूड कर ली हैं पहले हम कंप्लीट करेंगे होम फर्निशिंग का और उसके बाद चलेंगे होम डेकोर पे क्योंकि डेकोर तो हम अक्सर ही शेयर करते रहते हैं तो उसके साथ हमने ये वाला पार्सल सेकेंड वाला जो पार्सल है उसमें है ये सेट ऑफ फाइव क्वेश्चन कवर्स ये सिक्सटीन बाई सिक्सटीन इंचेस की हैं आप देखिए अच्छा इसका फैब्रिक क्या है ये एग्जैक्टली exactly हम नहीं बता सकते कुछ आ, अगर आप लोकल मार्केट में जाते हैं और कर्टेन सर्च करते हैं तो जो बिल्कुल आ, सस्ती क्वालिटी का कर्टेन होता है ये वो फैब्रिक है इसके अंदर कोई लाइनिंग आपको प्रोवाइडेड नहीं है जिप अच्छा है और ये शायद दो रुपए के अंदर का है तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है तो सारे के सारे क्वेश्चन में आपको इस तरीके के ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिल जाएंगे अच्छा लग रहा था ट्रेंडी था कपड़ा हमने सोचा नहीं था ये कुछ इस तरीके का निकलेगा पर दो सौ रुपए में आपको 16 बाय 16 इंचेस के और सेट ऑफ फाइव क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप प्राइस के हिसाब से ही प्रोडक्ट को जज करिएगा तो प्राइस के हिसाब से ये अच्छा है आप देखिए सारे के सारे में ही आपको कुछ इस तरीके के ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिल जाएंगे हम एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं तो हमें तो ये अच्छा लगा अगर आपका बजट बहुत कम है और बजट कम बजट में आप घर को एक स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस यू कैन ट्राई दिस बहुत प्यारा लग रहा था अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है तो ये सस्ते भी हैं तो हमें लग रहा है कि इसको परचेस करने में कोई बुराई नहीं है अगर आप इसको आठ दस बार भी बिछा लेते हैं अपने क्वेश्चन पे डाल लेते हैं तो आई गैस इसकी कीमत निकल आएगी अच्छे हैं आप इसको ट्राई कर सकते हैं तो चलिए इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कवर्स आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट है वो बहुत ही आ, बहुत कलरफुल है अब हमने होली के लिए परचेज किया है मीशो पर जो भी सेल चल रही है ये हमने उसमें परचेज किया है अब सेल के बाद इनकी प्राइसेस कैसी हो जाएंगी अ पता नहीं है पर फिलहाल ये पर फिलहाल अभी तो हमें ऐसा लगा कि ये बिल्कुल बजट में है तो ये भी नेक्स्ट पहले वो ब्लैक वाले थे ये वाइट क्वेश्चन कावर्स हैं ये भी सिक्सटीन बाई सिक्सटीन इंचज के हैं आप देख सकते हैं और इसमें ये ऐसे पूरे में इस तरीके की लीव्स बनी हुई हैं आप देखिए बहुत बहुत प्यारा लग रहा था तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इसमें और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें ब्लैक है रेड है मस्टर्ड कलर है और वाइट है काफी सारे कलर्स हैं तो हमें ये अच्छा लगा था क्योंकि समर के हिसाब से ये अच्छा लग रहा था तो आप देखिए इन सब में ये सारे के सारे सेम है सब पे सेम ही पैटर्न है और अच्छी क्वालिटी है अंदर से चेक कर लेते हैं इसको तो जिप भी इसकी अच्छी है जिप क्वालिटी भी अच्छी है अंदर की साइड आपको लाइनिंग प्रोवाइडेड है अब इसकी जो लाइनिंग है ना ये थोड़ी सस्ती सी है आपने देखा होगा जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उसमें जो फैब्रिक यूज़ होता है अंदर लाइनिंग उस चीज़ की है तो ये बहुत पसंद आया बहुत वाइब्रेंट है इसमें कलर है और समर्स के लिए परफेक्ट है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं तो सारे जो क्वेश्चन कवर्स हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है आ, सब अलग अलग तरीके के हमने परचेज़ किए हैं अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कवर है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसकी प्राइस भी साढ़े तीन सौ या चार सौ के अंदर की ही है तो ये जो नेक्स्ट है इसको देखकर तो आपके मुंह से पक्का वाव निकलने वाला है बहुत प्यारी क्वालिटी में हमने रिसीव किए हैं ये क्वेश्चन का तो ये देखिए इसमें आपको मिलेगा ये लेस ये कोई प्रिंट नहीं है आप देखिए इसमें ये लेस है बहुत प्यारा सा ये लेस का, का काम किया गया है इस पर सारा सारा स्टिचिंग का काम है कुछ पेस्टेड नहीं है वेलवेट का फैब्रिक है वेलवेट की बात की जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी का वेलवेट यूज हुआ है बैक साइड से आपको दिखा दे अंदर की साइड वही सेम फॉर्म गिवन है आपको और बैक साइड से ये वाला फैब्रिक जो अक्सर आप सारे ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सारे ही क्वेश्चन कवर्स में ये इस तरीके का ही फैब्रिक यूज होता है तो मशीन वॉश में इसको कुछ नहीं होगा हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें इस तरीके का काम किया गया है और अभी तक दो दो तीन तीन साल हो रहे हैं उनको और उनमें कुछ भी आ, कोई भी दिक्कत नहीं आई है तो ये बहुत प्यारा है इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आप उसको चेक कर सकते हैं तो इसमें ब्लैक है ब्लू है काफ़ी सारे हैं बट दिस रेड वॉल लाइक बहुत वाइब्रेंट लग रहा था तो हमने इसको परचेस कर लिया और रेड कलर का हमारे पास कोई क्वेश्चन था भी नहीं सारे कलर्स ऐसे हैं जो हमारे पास है नहीं तो हमने सिर्फ उन्हीं को परचेस किया है जो नेक्स्ट है उसमें हमने एक टेबल रनर परचेस किया है हमारे टेबल के ऊपर ग्लास है ग्लास के ऊपर आप कुछ भी लगाओ तो वो बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है वैसे हमने ये एक वाइब्रेंट सा आप देखिए समर्स के लिए कितना अच्छा लगता है आंखों को भी बहुत प्यारा लगता है इस तरीके के प्रिंट्स जो होते हैं तो बहुत प्यारा सा इसमें कलर कॉम्बिनेशन किया गया प्रिंट्स देखिए पास से दिखाते हैं कितना प्यारा इसमें काम किया गया है आप इसे डाइनिंग टेबल पर भी डाल सकते हैं आप देखिए काफी बड़ा है काफी बड़ा है बैक साइड पे आपको इसमें एक ये लाइनिंग दी है अस्तर दिया हुआ है फैब्रिक uh, कुछ कॉटन तो नहीं है लेकिन कुछ चिकना चिकना सा है सिल्क सा आई गैस रॉ सिल्क है शायद ये बहुत प्यारा है बहुत अच्छा है बैक साइड में आपको सिल्क का ही अस्तर मिल जाएगा तो ये भी बजट uh, फ्रेंडली है बहुत प्यारा है और हम तो गर्मियों में इसी तरीके के प्रिंट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं और uh, आपको भी इन्हें अपने घर में ऐड करना चाहिए तो घर बहुत अच्छा लगता है वाइब्रेंट सा लगता है तो चलिए अब जो नेक्स्ट पार्सल है उसकी रिक्वेस्ट हमारे एक व्यूअर ने की थी कि आप कॉर्नर के लिए कोई प्लांट दिखाएं तो उसके लिए हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट सर्च किया था आ, मीशो पे अगर आप सर्च करेंगे तो आर्टिफिशियल प्लांट में आपको वाइड वैरायटी दिख जाएगी वाइड रेंज ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं मीशो पर पर ये वाला जो है वो आपको पता ही होगा कि एरिका जो है वो सभी को बहुत पसंद आता है तो चलिए आप भी देख लीजिए कि ये कैसा आपने रिसीव किया है तो ये है इसमें ये लीव्स और ये है इसकी स्टैम्प तो ये लीव्स को आप देखें लीव्स जो हैं वो बहुत सारी आई हैं हमने काउंट नहीं किया है कि कितनी लीव्स आई हैं आप देखिए वाटर रेजिस्टेंट ये लीव्स हैं कुछ प्लास्टिक जैसी लग रही है बट बहुत प्यारी लग रही है हाँ अब आप कहेंगे कि एकदम नेचुरल है तो नेचुरल नहीं है एरिका पाम हमारे पीछे लगा हुआ है और आप उस पाम में और इस पाम में डिफरेंस देख सकते हैं बट हाँ आप इसको ट्राई कर सकते हैं पर वैसे ये रिक्वेस्ट थी किसी की तो हमने ये सर्च करके आपको दिखाया है बट पर हम पर्सनली एडवाइस करें कि इंस्टेड ऑफ एडिंग आर्टिफिशियल प्लांट्स टू योर होम ट्राई एडिंग नेचुरल प्लांट्स जो लाइव प्लांट्स होते हैं आप उनको घर में ऐड कीजिए वो बहुत प्यारे लगते हैं तो इसमें आपको रिसीव हो रही है ये लीव्स ये देखिए इसमें ये जो लीव्स है ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं बहुत ज़्यादा साइज में वेरिएशन नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी छोटी और थोड़ी बड़ी हैं और ये दो कलर में आपको मिलेंगी एक देखिए थोड़ा लाइट सा ग्रीन है ये थोड़ा डार्क सा ग्रीन है तो इससे थोड़ा नेचुरल सा लुक आएगा पेड़ एकदम सेम एकदम सेम कलर का नहीं होगा तो इसको हम आपको वीडियो में दिखा देंगे अटैच करके सिंपल है इसको असेंबल करना आपको इस तरीके से लीव्स को इसमें अरेंज करना है और ये देखिए आपका नेचुरल एरे का पाम बनकर रेडी है ये देखिए पर फिलहाल हमें ये आर्टिफिशल प्लांट ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है तो इसको तो हम रिटर्न कर देंगे लेकिन हाँ जो परचेज करना चाहते हैं वो इसको परचेस कर सकते हैं ये बहुत अच्छा है प्राइस के हिसाब से ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है आप इसको ट्राई ज़रूर करें चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्सल अब जो सामान हम दिखाएंगे वो सारा का सारा जो सामान है वो होम डेकोर का है तो इस बार हमने कुछ ज़्यादा होम डेकोर एड नहीं किए हैं क्योंकि बस बहुत होम डेकोर का सामान हो गया था घर पे तो जो नेक्स्ट पार्सल है उसमें हमने एक ये वॉल हैंगिंग रिसीव की है ये अच्छी नहीं आई है जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी जैसी हमने इमेज में देखी थी तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसी होगी उसमें ये बहुत अच्छा सा लग रहा था पर इसमें तो ये पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे लोहे का कोई टुकड़ा हो इसमें ये लीव्स भी देखिए इतने खास अच्छी तरीके से दिख नहीं रही हैं फिलहाल काफ़ी अच्छी क्वालिटी अगर आपको पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बैक साइड में ये बहुत प्रॉपरली सिक्योर है आप देखिए पूरा नेटवर्क है वायर्स का हैंग करने के लिए आपको इस तरीके का ये सर्कल मिल जाएगा तो आप इसको हैंग कर सकते हैं ये कुछ इस तरीके का लग रहा है वो ये बिल्कुल बहुत हेवी है इसकी एजेस भी बहुत शार्प हैं आप चाहें तो इसमें मिरर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं पर ये अच्छा नहीं लग रहा था तो हम तो आपको बोलेंगे कि आप इसको रहने ही दीजिए क्योंकि हम भी इसको वापस ही करने वाले हैं अगर आप पास से देखेंगे तो कुछ इसमें ये लीव्स बनी हुई हैं पर लीव्स में इतना हौच करके रखा है कि लीव्स बहुत अच्छे से इसमें से दिख नहीं रही हैं तो इसका प्राइस आई गया इस तीन सौ का है अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं देख सकते हैं आ, हो सकता है आपको ये कैमरे में काफ़ी अच्छा लग रहा हो लेकिन ये अच्छा है नहीं अच्छा लग नहीं रहा था इसे रिटर्न कर देंगे इससे पहले हमने कई बार इस तरीके के वॉल हैंगिंग्स मंगाए हैं पर वो बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए थे हो सकता है इमेज की वजह से हमने इसको परचेस किया था पर ये इमेज के जैसा नहीं है तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्सल की तरफ तो जो लास्ट पार्सल है उसमें एक बहुत प्यारा सेट ऑफ़ आउल है प्यारा है ट्रस्ट भी बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है ये अच्छा है अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे होम डेकोर आइटम मंगवाए हैं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप उन हॉल्स को चेक कर सकते हैं उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप अपने घर के लिए नया सामान सर्च कर रहे हैं तो आप उन हॉल को चेक कर सकते हैं आपको वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज के हॉल को यही खत्म करते हैं हैप्पी होली टू ईच एंड मी और चलिए मिलेंगे होली के बाद इसी तरीके के कलरफुल होम फर्निशिंग के आइटम के साथ होम डेकोर के साथ तो आप बताइए कि आपको आज का हॉल कैसा लगा आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा आपको कौन सा आइटम पसंद आया तो आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से आइटम्स आप देखना पसंद कर सकते हैं ये होम फर्निशिंग का जो आइटम था ये हमने खुद ही ऐसा लगा कि डेकोर के काफी सारे आइटम्स हो गए हैं तो इस बार कुछ डिफरेंट रखना चाहिए तो हमने होम फर्निशिंग को इस बार हॉल में इंक्लूड किया है आप बताइए कि आप क्या आपका क्या सजेशन है कि आ, होम डेकोर या होम फर्निशिंग या दोनों को होना चाहिए तो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए एंड हैप्पी होली